अब तक हम लोग पढ़ चुके बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा, उसका ऊपर का हिस्सा पूरा पढ़ लिया मतलब करंट अकाउंट उसके कंपोनेंट्स, और उसका नीचे का हिस्सा पूरा पढ़ लिया कैपिटल अकाउंट और उसके कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो आज आपको बस नई हेडिंग इस पेज पर डालनी है, इसका नाम है ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी, ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी, ठीक है ना। तो एक बहुत बड़ा राज जो था वो अभी तक छुपा रखा था चैप्टर में, मतलब आपको पागल बना रखा था, अंधेरे में रख रखा था। तो उस राज पर से पर्दा उठाने का अब समय आ चुका है। तो पहले लिखते हैं फिर समझेंगे। तो पहले आप लिख लो ऑटोनॉमस आइटम्स, ठीक है, इसको ब्लॉक बना लो, ऑटोनॉमस आइटम्स। तो इसमें लिखना डैश डाल के, ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स इन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दैट आर अंडरटेकन फॉर प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव वर्ड पर बड़ा सा बादल बना लेना, बड़ा बड़ा लिख के, फॉर प्रॉफिट मोटिव आर नोन एज ऑटोनॉमस आइटम्स इन बीओपी, आर नोन एज ऑटोनॉमस आइटम्स इन बीओपी, फुल स्टॉप। इसी के नीचे दूसरी बात लिखना, फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या कॉमा इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज एटसेट्रा। तो पहले इतना समझा देता हूँ। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं बेसिकली, ये जो टॉपिक का नाम है कि ऑटोनॉमस आइटम्स एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी। तो ऑटोनॉमस आइटम्स किसे कहते हैं? ऑटोनॉमस आइटम्स का मतलब होता है कि जो भी आइटम्स आपने करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में लिख रखे हैं, जिनका उद्देश्य है प्रॉफिट का मोटिव, जिनका मोटिव है प्रॉफिट कमाने का, उन सब आइटम्स को हम ऑटोनॉमस आइटम्स कहते हैं। तो एक बार आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट दोबारा से दिखा देता हूँ, ओरिजिनल वाला, वहीं चलते हैं। तो जो आपने ओरिजिनल बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाया था, हम वहीं जा रहे हैं शुरुआती दौर में। तो इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर अगर आपको याद हो, तो आपने करंट अकाउंट में बहुत सारे आइटम्स लिखे थे, है ना, बहुत सारे आइटम्स लिखे थे, खासकर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या इम्पोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस या इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, बाकी थ्री और फोर ज़्यादा आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। या कैपिटल अकाउंट में भी आपने लिखे थे आइटम्स कि सेल ऑफ एसेट या परचेज ऑफ एसेट, या बोरो कर लिया रिलायंस कंपनी ने, इस तरह की जितनी भी बातें आपने लिख रखी थी, इन सब के पीछे माना ये जाता है कि इन सारे ही आइटमों के पीछे हमारा मोटिव क्या है, क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो इन सारे ही आइटमों को हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस आइटम्स। तो इन सारे आइटमों को क्या कहते हैं हम? ऑटोनॉमस आइटम्स। तो अब वो राज की बात जो है उस पर से पर्दा उठाने का समय आ चुका है। तो इसी के नीचे अब आप एक छोटा सा एरो डाल के लिखोगे कि ऑटोनॉमस आइटम्स आर ऑल्सो नोन एज, बताइए स्कूल के योद्धाओं,
ऑटोनॉमस आइटम्स को ही क्या बोलते हैं? आर ऑल्सो नोन एज, तो लिखना है बड़ा बड़ा, अबव द लाइन आइटम्स। तो ये थी वो राज की बात जो आपको पहले नहीं बताई थी। तो ऑटोनॉमस आइटम्स आर ऑल्सो नोन एज अबव द लाइन आइटम्स। तो अब अबव द लाइन तो याद ही होगा, वो बीओपी में वो एक हरी डॉटेड लाइन बनाई थी ना, चलो दोबारा दिखाई देता हूँ। तो आपको जब बीओपी बनाया था समझाने के लिए, ये रही देखो वो रही हरी डॉटेड लाइन। तो मैंने कहा था ना कि इस हरी डॉटेड लाइन के ऊपर जितने भी आइटम्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? अबव द लाइन आइटम्स होते हैं। तो बेसिकली ये जितने भी आइटम्स हैं, ये सारे ये आइटम्स, ये सारे आइटम्स को हम क्या बोलते हैं? अबव द लाइन आइटम्स। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस आइटम्स। तो समझ आ गया? तो बस राज खुल चुका है। तो अब आप ये बताओ कि ये जो बिलो द लाइन आइटम्स लिखवाया था इसे क्या बोलते होंगे? एकोमोडेटिंग आइटम, एकोमोडेटिंग आइटम, ठीक है, जो दूसरा वाला है। तो बस ये लिखना है, तो अब दूसरे वाले पे चलते हैं। तो आ जाओ, तो ऑटोनॉमस आइटम्स तो हो गए वही अबव द लाइन आइटम्स, और दूसरा लिख लेते हैं हम। दूसरा हाथ का निशान बना लो, एको मोडेटिंग आइटम्स। तो इसमें लिखते हैं हेडिंग डाल के, पहली बिंदी, दीज रिफर टू ट्रांजैक्शंस दैट आर अंडरटेकन टू, और बड़ा बड़ा लिखना है, कवर द डेफिसिट इन बीओपी। कवर द डेफिसिट को बादल बना लेना। तो अगर आपको याद हो तो पहले ही लेक्चर में जब वो पूरा बीओपी बनवाया था तो मैंने कहा था ना कि देखो हमारा बीओपी मैच नहीं हो रहा। दिखा देता हूँ, तो हमने कहा था ना कि हमारा बीओपी मैच नहीं हो रहा, कुछ पैसों की कमी थी, और मुझे तो वो याद भी है, 400 रुपए की कमी थी शायद, याद है ना, 2100-2500। तो जब हमने 400 रुपए की कमी को पूरा करा यानी उसकी भरपाई करी, तो बस उसी आइटम को क्या बोलते हैं हम? मतलब बोरिंग्स एग्जांपल हो गया, एकोमोडेटिंग आइटम। उसी आइटम को क्या बोलते हैं हम? एकोमोडेटिंग आइटम। तो एकोमोडेटिंग आइटम का मतलब ये होता है कि हम अपने बीओपी की कमी को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो इसका मोटिव कभी भी प्रॉफिट का तो नहीं है, ये हम प्रॉफिट के लिए थोड़ी नहीं करी थी सरकार ने बोरिंग, ये तो सरकार ने बोरिंग क्यों करी थी? ताकि इक्वल हो जाए। बिल्कुल सही। तो इसीलिए इस आइटम को बोलते हैं एकोमोडेटिंग आइटम। तो लिख लो इसका एग्जाम्पल दूसरी बिंदी में। तो फॉर एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल है इसका मेनली, गवर्नमेंट बोरोइंग्स, यानी कि जो सरकार ने बोरो करे थे, और हमारे एग्जाम्पल में वो 400 रुपए, गवर्नमेंट बोरोइंग्स। और तीसरी बिंदी, तो अब राज खुल ही चुका है, आपको पता ही है कि दीज आइटम्स आर ऑल्सो नोन एज, इन आइटम्स को हम क्या बोलते हैं? बिलो द लाइन आइटम्स। तो इन्हीं आइटम्स को हम कहते हैं बिलो द लाइन आइटम्स। ठीक है, बाकी ब्रैकेट में लिख सकते हो, इनका एक तीसरा नाम भी है, बिलो द लाइन आइटम्स का तीसरा नाम भी होता है। कुछ लोग इन्हें ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन भी कह देते हैं।
ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन कि मतलब ये सबसे लास्ट में करते हैं सरकार अपने डेफिसिट की भरपाई करने के लिए, है ना। तो मतलब दो तरह के आइटम्स का हमने इस पे जिक्र कर लिया। तो जो पूरे के पूरे हरी लाइन के ऊपर थे उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस आइटम्स, और जो उस हरी लाइन के नीचे थे उन्हें क्या बोलते हैं, एकोमोडेटिंग आइटम्स। चल अब बचे हुए हिस्से में हमें कुछ स्टार पॉइंट्स लिखने, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। पहले स्टार पॉइंट का नाम है डेफिसिट इन बीओपी, डेफिसिट इन बीओपी। उसके बाद दो लाइन छोड़ के दूसरा स्टार पॉइंट, सरप्लस इन बीओपी, सरप्लस इन बीओपी। और दो लाइन छोड़ के आखिरी स्टार पॉइंट, इक्विलिब्रियम इन बीओपी, इक्विलिब्रियम इन बीओपी। तो पहले आप लिख लो, अभी आगे कुछ नहीं लिखना। तो डेफिसिट इन बीओपी, दूसरा हो गया सरप्लस इन बीओपी, तीसरा हो गया इक्विलिब्रियम इन बीओपी। तो इनकी चर्चा के लिए मैं दोबारा से अपने मेन बीओपी की तरफ जा रहा हूं, आप भी चाहें वहीं चल लो मेरे साथ। तो अब हमारे उस ओरिजिनल वाले बीओपी को देखना है आपको, ऊपर से दोबारा रिवाइज भी करवा देता हूं। तो जब हमने वो बनाया था तो क्रेडिट आइटम्स डेबिट आइटम्स मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो थे, फिर करंट अकाउंट के अंदर कुछ कॉम्पोनेंट्स लिख लिए थे, कैपिटल अकाउंट के अंदर कुछ कॉम्पोनेंट्स लिख लिए थे, और हमारे टोटल रिसिप्ट्स नीले रंग से हाईलाइट कर रहा हूँ, टोटल रिसिप्ट्स आ गए थे 2100 यानी 2100, एंड टोटल पेमेंट्स आ गई थी 2500, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है कि इस एग्जांपल में जो बीओपी है, इस एग्जांपल में जो बीओपी है वो बीओपी सरप्लस वाला है या बीओपी डेफिसिट वाला है या बीओपी इक्विलिब्रियम वाला है, वो बताना है आपको। बताइए कि हमारे इस एग्जांपल में बीओपी को आप कौन सा वाला कहोगे, सरप्लस वाला कहोगे या डेफिसिट वाला कहोगे, अपनी नॉर्मल कॉमन सेंस बुद्धि से। अभी कॉन्सेप्ट तो अभी हम सीख लेंगे दो मिनट में, कॉमन सेंस से सोच के बताओ कि आप इसको देखकर क्या कहना चाहते हो आपके हिसाब से। उसका रीजन भी बताओ क्यों डेफिसिट वाला क्यों, इस तरफ वाला कम है तो इस तरफ वाले को मतलब आउटफ्लो ज़्यादा है। वेरी गुड, तो बिल्कुल आपने सही कहा और यही कॉन्सेप्ट है। तो हम जब बीओपी की बात करते हैं तो हम कभी भी नीली वाली जो सॉरी ये हरी वाली जो लाइन है इसके नीचे नहीं देखते। अगर हम इसके नीचे देखना शुरू कर देंगे तो फिर तो बीओपी हमेशा बराबर ही होगा। तो बीओपी को हमेशा हरी लाइन के ऊपर से ही देखा जाता है, हरी लाइन के ऊपर तक देखा जाता है, कभी भी नीचे नहीं देखा जाता। अगर हम हरी लाइन के नीचे देख लेंगे फिर तो बीओपी हमेशा ही क्या होगा, इक्वली होगा। तो बीओपी हमेशा हरी लाइन के ऊपर तक ही देखा जाता है, यानी बीओपी को देखने के लिए हम सिर्फ हमेशा कौन से आइटम्स लेते हैं, अबव द लाइन, हाँ हरी लाइन के ऊपर वाले यानी कि अबव द लाइन आइटम्स लेते हैं। तो बिल्कुल सही बताया आपने। तो हमारे एग्जांपल में इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज़्यादा है, तो इसीलिए इस बीओपी को क्या बोलेंगे हम, डेफिसिट वाला बीओपी। अगर इनफ्लो ज़्यादा होता तो सरप्लस वाला बीओपी, और अगर दोनों बराबर पहले से ही होते तो इक्विलिब्रियम वाला बीओपी। बिल्कुल सही। तो बस यही तीन स्टार पॉइंट्स थे, तो लिख लेते हैं, आ जाओ। तो तीन प्रकार के बीओपी मतलब हो गए। तो डेफिसिट इन बीओपी में लिख लो ऑटोनॉमस पेमेंट्स माइनस ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स, ऑटोनॉमस पेमेंट्स माइनस ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स। अब इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है वो कौन सा है, ऑटोनॉमस। बताओ ऑटोनॉमस वर्ड क्यों लग रहा है,
अबव द लाइन आइटम, बिल्कुल सही, क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा ऑटोनॉमस किन्हें कहते हैं हम, अबव द लाइन आइटम्स को। तो हमेशा बीओपी की जब हम रिसिप्ट्स और पेमेंट्स देखते हैं तो सिर्फ कौन से आइटमों की देखते हैं, अबव द लाइन वालों की, है ना, लाइन के नीचे वालों की नहीं देखते, एकोमोडेटिंग से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए फॉर्मूला या मीनिंग इस तरह से ही बनता है कि बीओपी का डेफिसिट मतलब कि ऑटोनॉमस पेमेंट्स ज़्यादा हैं और ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स कम हैं। तो फॉर्मूला बन गया ऑटोनॉमस पेमेंट्स माइनस ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स। और सरप्लस बीओपी जो होगा उसमें आप क्या लिख सकते हो बताओ, इसका मतलब आपके रिसिप्ट्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो ये लिख सकते हैं ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स माइनस ऑटोनॉमस पेमेंट्स, इस बार क्योंकि आपके रिसिप्ट्स ज़्यादा होंगे। मैं ये भी लिख देता हूँ बाजू के बादल में छोटा सा कि मीनिंग वाइज डेफिसिट का मतलब था कि पेमेंट्स ग्रेटर देन रिसिप्ट्स, ठीक है ना, मीनिंग वाइज, इसलिए उसको डेफिसिट बोल रहे हैं। और सरप्लस में भी लिख देता हूँ मीनिंग कि इसमें रिसिप्ट्स ग्रेटर देन पेमेंट्स, इसीलिए इसको सरप्लस बोल रहे हैं। तो फॉर्मूला इसीलिए वो अकॉर्डिंगली बन रहा है, ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स माइनस ऑटोनॉमस पेमेंट्स, रिसिप्ट्स ज़्यादा हैं पेमेंट से तो सरप्लस। और इक्विलिब्रियम इन बीओपी का तो क्या मतलब होगा, दोनों इक्वल है, तो इसमें तो मतलब कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, तो इसका तो बन गया ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स इज इक्वल टू ऑटोनॉमस पेमेंट्स, ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स इज इक्वल टू ऑटोनॉमस पेमेंट। तो दोनों अगर पहले से ही बराबर होंगे, ऊपर वाली लाइन के ऊपर पहले ही बराबर हो गए, तो फिर हम कह देंगे इक्विलिब्रियम इन बीओपी, ठीक है ना। तो बस बीओपी में मतलब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये याद रखनी है कि इसका हम सरप्लस या डेफिसिट जब भी देखते हैं तो फिर से बता दो सिर्फ कौन से आइटम्स के लिए के हिसाब से देखते हैं, ऊपर वाले, अबव द लाइन वाले, तो इसीलिए इसको ऑटोनॉमस रिसिप्ट या ऑटोनॉमस पेमेंट्स के नज़रिए से ही देखा जाता है, टोटल रिसिप्ट या टोटल पेमेंट नहीं बोलते, ऑटोनॉमस वाली ही देखी जाती है। तो क्लियर हो गई इतनी कहानी। चलो अब इसका जो लेफ्ट पेज आपका पूरा का पूरा खाली पड़ा है उस पर आ जाओ, उस पर हमें दो क्वेश्चंस लिखने हैं, वो भी एग्ज़ाम में हमसे पूछ लेता है तो वो साथ साथ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की वजह से करवा रहा हूँ खुद, कि ऐसे क्या कारण है बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम होने के पीछे, है ना, मतलब किसी भी देश का बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में है, मतलब कि इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज़्यादा है या वाइस वर्सा, हालांकि इसमें हम वाइस वर्सा नहीं मान के चलते क्योंकि भाई हमारे देश में बीओपी हमेशा कैसा रहता है, इनफ्लो कम रहता है और आउटफ्लो ज़्यादा रहता है, तो हम डिसइक्विलिब्रियम का मतलब वही मानते हैं कि एक तरह से इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज़्यादा है। तो किसी भी देश का अगर इस तरह के हालात हैं तो उसके क्या कारण माने जाते हैं, तो उसके तीन मेन कारण माने जाते हैं, तो 1 2 3, पहला लिखना है नंबर वन हेडिंग की तरह इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कि कुछ आर्थिक कारण हैं, इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ है, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है, तो इसके नीचे आप चार लाइन छोड़ लो। दूसरे पॉलिटिकल फैक्टर्स, यानी कि कुछ राजनीतिक कारण हैं जिनकी वजह से गड़बड़ चल रही है, पॉलिटिकल फैक्टर्स। और तीसरे लिख सकते हैं हम सोशल फैक्टर्स, कभी कभी कुछ सामाजिक कारण भी होते हैं, है ना, जैसे भाई आप अपना एग्जांपल ले सकते हो, अब आपको कहें कि भाई खादी से बने हुए कपड़े पहन के आने हैं कल से, तो आप कहोगे नहीं सर क्या बेकार की बातें कर रहे हो आप,
हम तो यूएस की बनी हुई जीन्स और टी शर्ट ही खरीदेंगे। तो कुछ सामाजिक कारण भी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम मतलब कुछ कर नहीं सकते। तो तीन मेनली फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से बीओपी में गड़बड़ हो सकती है। तो पहले हम इकोनॉमिक फैक्टर पे लिख लेते हैं, तो उसमें आप डैश डाल के लिख सकते हो कि देयर इज जनरली एन इम्बैलेंस बिटवीन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। देयर इज जनरली एन इम्बैलेंस बिटवीन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स कॉमा वेयर मेनली लार्ज इम्पोर्ट्स कॉजेज डिसइक्विलिब्रियम। है ना, तो ये तो बहुत ही सिंपल पॉइंट हो गया कि अगर हमारे देश में इम्पोर्ट्स ज़्यादा होंगे, जो होते हैं ज़्यादातर आमतौर पे, तो इस वजह से फिर डिसइक्विलिब्रियम होगा। तो ये एक आर्थिक कारण है, इकोनॉमिक फैक्टर है कि भाई हमारी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट्स कम हैं, इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली इनफ्लो कम होगा और आउटफ्लो ज़्यादा होगा। तो ये एक इकोनॉमिक फैक्टर है। अब कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर राजनीतिक कारण होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं, जैसे पाकिस्तान का आप एग्जांपल ले सकते हो थोड़ा सा। तो वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत है ना, उठापटक चलते रहते हैं, चल रहे हैं ना। तो ऐसे जहाँ पर पॉलिटिकल फैक्टर्स होंगे इन्वॉल्व, तो वहाँ पे देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा उस पे भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें आप लिख लो पॉलिटिकल फैक्टर्स में कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी लाइक फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट, लाइक फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट और डिस्टर्बेंसेस इन कंट्री ऑल्सो लीड्स टू डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। है ना, तो जहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहेगी, बार बार सरकार बदल रही है या कुछ इस तरह की गतिविधियाँ लगी रहेंगी, तो वहाँ पे देश का बीओपी भी गड़बड़ रहेगा, थोड़ा सा वो भी बुरा प्रभाव मतलब प्रभावित रहेगा। और तीसरे तो है सामाजिक कारण, आप बच्चे, तो इसमें लिख लो सोशल फैक्टर्स लाइक चेंज इन टेस्ट। लोगों का टेस्ट बदल जाता है। अब आपको कह दे कि भाई बाबा रामदेव का पतंजलि का टूथपेस्ट इस्तेमाल करो, तो आप कहोगे नहीं सर, हम तो नहीं करेंगे, हमें तो विदेश वाले ही चाहिए। तो जब सामाजिक कारण जो होते हैं चेंज इन टेस्ट कॉमा चेंज इन फैशन, अब आपको कह दें कि भाई खादी से बने हुए कुर्ते पजामा पहन के आना है आपको, तो आदित्य मना कर देगा सर मैं नहीं पहनूंगा। तो चेंज इन फैशन एटसेट्रा, तो ये सब सामाजिक कारण होते हैं ना, तो एटसेट्रा ऑल्सो अफेक्ट्स इक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी। तो ये भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को मतलब प्रभावित कर देते हैं कि भाई ठीक है फिर, ठीक है पहनो फिर बाहर के कपड़े, और क्या, फिर इम्पोर्ट्स ज़्यादा होंगे, इम्पोर्ट ज़्यादा होंगे तो फिर आउटफ्लो ज़्यादा होगा। तो ये तीन कारण होते हैं जिसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। फिर है क्वेश्चन नंबर टू। तो बीमारी तो हमने देख ली, अब इसका इलाज, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट आर द मेजर्स टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम। अब आपको अगर सलाह देनी हो कि भाई चलो कुछ सलाह दो कैसे ठीक करें हम इस डिसइक्विलिब्रियम को, तो कुछ मतलब टिप्पणी करें, कुछ सलाह दीजिए कि क्या कर सकते हैं हम, कैसे करेक्ट करें। हाँ तो बताओ फिर कैसे ठीक करें भाई। राजनीतिक कर नहीं सकते, वो तो अपन के हाथ में नहीं,
और एक्सपोर्ट इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो बिल्कुल सही। तो पहला तो लिख सकते हैं हम, पहला हथकंडा है प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। इसीलिए तो सरकार देखो लगी रहती है, ऐड डालती है कि भाई आप अपने प्रोडक्ट्स बेचो, बाहर बेचो, और ये है वो है, आपको सहायता देती है, आपके लिए स्कीम्स निकालती है कि भाई एक्सपोर्ट करोगे तो हम आपकी मदद करेंगे, है ना। तो सरकार भी इसलिए कोशिश करती है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, तो प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। दूसरा क्या करें, इम्पोजिंग इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं इम्पोर्ट पर कि भाई आप तो कह दोगे सर हम तो 10 जूते मंगवाएंगे बाहर से, तो सरकार थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा देगी, नहीं 10 नहीं मंगवा सकते, खाली 2 ही मंगवा सकते हो, तो मतलब थोड़ा सा रोकेगी। हाँ, एक जोड़ी मंगवा सकते हो, तो थोड़ा सा आपको रोकेगी कि भाई इम्पोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाए। तीसरा और क्या कर सकती है सरकार, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सरकार आपको थोड़ा सा जागरूक कर सकती है कि भाई बाबा रामदेव की टी शर्ट पहन लो, पहन लो, पहन लो, तो इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकती है उन प्रोडक्ट से जो यहाँ के बने हुए हैं। तो बाहर से ख़रीदने से बेटर है कि आप यहीं के बने हुए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लो, तो थोड़ा सा इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूशन मतलब कर सकती है। और चौथा तो बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, ये 1991 में करा भी गया था, इसका नाम है जी डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या होता है? हाँ, तो वो याद है आपको डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी या करेंसी डेप्रिसिएशन, यही था ना। हाँ, तो जो करेंसी डेप्रिसिएशन होता है ये वही होता है, लेकिन ये डेलिब्रेटली किया जाता है। करेंसी डेप्रिसिएशन तो होता है कि अपने आप हो गया, है ना, वैल्यू अपने आप घट गई रुपी की, लेकिन डीवैल्यूएशन क्या होता है, सरकार जानबूझ के करती है। मतलब मैं ऐसे उदाहरण दोबारा याद दिलवा देता हूँ, करेंसी डेप्रिसिएशन सिखाया था कि अगर पहले $1 80 का था अर्लियर, और अगर आज ये $1 हो गया ₹120 का, तो इसे क्या बोलेंगे हम, करेंसी। हाँ, मतलब इसे बोलते थे करेंसी डेप्रिसिएशन। बस यही काम अगर गवर्नमेंट डेलिब्रेटली करती है, मतलब गवर्नमेंट जानबूझ के अपने ही रेट कम को करवा लेती है, तो इसे बोल देते हैं डीवैल्यूएशन। तो अब ये करा क्यों गया होगा, ये सोचो कि ये क्यों करा सरकार। हाँ, क्योंकि इसकी इफ़ेक्ट्स आपको लिखवाए थे फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में कि ऐसा होने से दो इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक इफ़ेक्ट लिखवाया था एक्सपोर्ट इंक्रीजेस, इससे एक्सपोर्ट क्या होते हैं, बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और एक इफ़ेक्ट लिखवाया था इम्पोर्ट डिक्रीजेस, इम्पोर्ट जो होते हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। तो मतलब आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखो अच्छा हो जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो मतलब आपका इनफ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इम्पोर्ट कम हो जाएंगे तो जो आपका आउटफ्लो हो रहा है पैसों का वो कम हो जाएगा, तो देखो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को थोड़ी राहत मिल जाएगी। तो ये 1991 में जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री मनमोहन सिंह जी, उन्होंने ये करा भी था डिवेल्यूएशन ऑफ रुपी। तो ये आपने पढ़ा भी है LPG में ना, डिवेल्यूएशन ऑफ रुपी, तो बेसिकली वो ये था। तो इससे हमारे देश के एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं और इम्पोर्ट कम हो जाते हैं। तो खैर, आपसे चार मेजर अगर पूछे ज़्यादा से ज़्यादा तो आप ये चार लिख सकते हो। अब बस इसमें स्टेट करने को ही पूछता है, ज़्यादा एक्सप्लेन तो करता नहीं है, बोलेगा नहीं। तो प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, इम्पोजिंग इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। चलो, तो अब आप आ जाओ न्यूमेरिकल्स पर। तो छोटे से इसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करने, वो डिस्कस करेंगे। तो आपका जो लेफ्ट पेज खाली होगा, पेज 77 के बाजू में पूरा लेफ्ट पेज खाली होगा, है ना। हाँ, तो 76 पर होगा, है
हाँ तो उसके बाजू में तो है खाली 75 वाला। हाँ 75 वाला खाली होगा, तो पेज 75 वाले पर कर लेते हैं, उसे एक पेज पे आ जाएंगे, छोटे से न्यूमेरिकल है। चलो तो लिखो क्वेश्चन नंबर 1। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू 10,000 फेवरेबल, उसके नीचे दे रखा है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज इक्वल टू 2:1 इज इक्वल टू 2:1। फाइंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। चलो तो पहले आप करोगे, 3 मिनट आपके हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। चलो तो देखो कैसे कर सकते हैं आप इसमें। आपको ये दे रखा है ना रिलेशन की एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का रेशियो दे रखा है 2:1, ठीक है ना। तो आप जैसे ऐसे लेट कर लो कि लेट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। आप इम्पोर्ट को एक्स मान लो, ठीक है, तो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स को एक्स लेट कर लो। तो अगर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एक्स है तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कितना होगा, 2x, है ना, क्योंकि रेशियो है 2:1। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कितना हो जाएगा, 2x। पहले ये सबको समझ आ गया, ठीक है। अब नाउ बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला पहले लिखते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला है ना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। अब आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड की वैल्यू क्या दे रखी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड की 10,000। तो आप बैलेंस ऑफ ट्रेड के नीचे लिख लोगे 10,000, और जो फेवरेबल दे रखा है उसके ब्रैकेट में, तो फेवरेबल का मतलब है कि आप प्लस का सिंबल लगा सकते हो अभी के अपने समझने के लिए। वैसे तो मैथमेटिक्स में चाहे प्लस लगाओ या ना लगाओ प्लस ही माना जाता है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर अनफेवरेबल लिखा होता तो आप कौन सा सिंबल लगा लेते, माइनस का, ठीक है। तो फेवरेबल की वजह से प्लस का सिंबल लगा लिया, ये मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि क्लियर रहे बात। फिर एक्सपोर्ट ऑफ गुड आपने 2x है वो तो, और इम्पोर्ट ऑफ गुड x है आपका। तो अब इसको सॉल्व करके अगले ही स्टेप में एक्स का आंसर तो आ ही गया आपका, है ना, एक्स का आंसर आ गया 10,000। तो एक्स आपने क्या लेट कर रखा था, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो देयरफोर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या बन जाएंगे, इज इक्वल टू 2x, यानी 2 × 10,000, यानी 20,000। तो आपके एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की वैल्यू आ जाएगी 20,000, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल है जो 10 में से 7 बार एग्जाम में यही घूम के आता है, बस किसी ना किसी तरह से फिगर बदल देगा, कुछ ढांचा बदल देगा, टाइप यही होता है। और दूसरा टाइप जो है वो नीचे लिखते हैं, बट पहला टाइप ये क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें लिखने का आपको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स 22,000, उसके बाद परचेज ऑफ मशीन इज इक्वल टू 2,400, उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज 6,000, उसके बाद
रेमिटांस टू कैनेडा 6,000, उसके बाद बोरोइंग्स 8,000, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम यूएस 4,000, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज 1,600 और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स 30,000। तो आपको निकालना है नंबर वन बैलेंस ऑफ ट्रेड, नंबर टू बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स मतलब BOI, नंबर थ्री बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट। तीन चीज़ों के आंसर फाइंड करने हैं आपको, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या आंसर आएगा, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स का क्या आंसर आएगा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट का क्या आंसर आएगा। तो करें फिर, चलिए अच्छा करते हैं। चलो तो अब देखो जी, पहले मुद्दे से शुरू करते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है ना, देखो पहले तो ये याद करो कि ये कौन से मतलब अकाउंट में लिखते थे, करंट अकाउंट में, याद है। और ये क्या होता था, इनफ्लो मतलब क्रेडिट आइटम, ऐसे याद करते चलते हैं, ठीक है। जब बनवाया था ओरिजिनल BOP, परचेज ऑफ मशीन। अब ये हम मान लेते हैं ये एसेट है ना, तो ये कौन से अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट, और खरीदा है तो आउटफ्लो, पैसे गए। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करंट अकाउंट में इनफ्लो। रेमिटांस मतलब होता है गिफ्ट या यूनिलेटरल ट्रांसफर हो गया, तो आपने कनाडा को या कनाडा में किसी को गिफ्ट भेजा, करंट अकाउंट में आउटफ्लो। बोरोइंग, ये आपको बताया था कैपिटल अकाउंट में आएगा, ये तो इनफ्लो। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम यूएस, आपको यूएस से गिफ्ट मिला है तो ये यूनिलैटरल ट्रांसफर है, यानी करंट अकाउंट में आएगा इनफ्लो। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये भी करंट अकाउंट में आएगा, आउटफ्लो, क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हो। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये भी करंट अकाउंट में आएगा क्योंकि आप मतलब इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स का, ठीक है। तो पहले ये कैटेगराइजेशन ओके हो गई जो हमने पढ़ रखी है। तो मैंने क्या करा, इनके हिसाब से BOP अकाउंट मतलब वैसा एक ब्रीफ बना ही लिया, सिर्फ करंट अकाउंट वाला। मैंने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट के बारे में निकालने के लिए कुछ नहीं बोला था। क्वेश्चन में सिर्फ तीन चीज़ें बोली थी निकालने को, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल और BOP करंट अकाउंट का, है ना। कैपिटल अकाउंट का तो नहीं बोला था, तो मैंने वो बनाया ही नहीं, नीचे का हिस्सा। तो अब आप इसमें देख सकते हो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लिख लिया, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस लिख लिया इनफ्लो में, और गिफ्ट जो यूएस से मिला वो लिख लिया, ये इनफ्लो हो गए। पहले इतना क्लियर है सबको, यही करवाया था ना मेन। और जो आउटफ्लो है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स लिख लिया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस लिख लिया, और रेमिटांस जो कैनेडा को भेजी वो लिख लिया, वो आउटफ्लो लिख लिया, पहले इतना ओके हो गया। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड किसे बोलते थे, याद करो, जिसमें हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते थे। तुम देखो वो वन से सीधा आंसर कितना आ गया, -8,000, क्लियर है। फिर बैलेंस ऑफ इनविजिबल किसे बोलते थे, सर्विसेज को, तो जिसमें आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के डिफरेंस को निकाल लोगे, नंबर टू वाले आंसर को देखो तो कितना आ गया बैलेंस ऑफ इनविजिबल, 4,400 पॉजिटिव आएगा, है ना, क्योंकि 6,000 माइनस 1,600 और क्या, तो 1,600,000 लिख लेते। और तीसरा आंसर पूछा था उसने बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट का,
तो इसमें आपको टोटल लेना है, तो टोटल रिसिप्ट करंट अकाउंट में कितनी है 32,000, और टोटल पेमेंट कितनी है करंट अकाउंट में 37,600। तो इससे आंसर आ गया -5,600। तो आपके ये तीन आंसर ये बन गए इधर किनारे वाले, -8,000, +4,400 और -5,600। बाकी हो सकता है अगर आपसे ये MCQ फॉर्म में पूछ ले तो ये ध्यान रखना, माइनस वालों को अनफेवरेबल बोल देते हैं और प्लस वाले को फेवरेबल बोल देते हैं। तो हो सकता है आंसर कुछ इस तरह से दिया हो MCQ में, 8,000 अनफेवरेबल, ये आंसर शायद दिया हो 44,000 फेवरेबल, ये आंसर शायद दिया हो 5,600 अनफेवरेबल। तो ये माइनस और ये प्लस के हिसाब से होएगा, समझ आया मेरा? तो ये एक्सट्रीम थोड़ा सा न्यूमेरिकल होता है, इसके चांस कम होते हैं एग्जाम में, लेकिन हाँ अगर आएगा तो थोड़ा सा आपको समय ज़्यादा लगेगा करने में, ठीक है। बट इसमें आपको तरीका पता चल गया कि ऐसे कर सकते हो, आप BOP ही बना लो, सबसे बेस्ट तरीका है वैसे तो, सबसे सेफ तरीका है, तो उसमें गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है, क्लियर होगी कहानी। चलो तो बस ये था मतलब पूरा कार्यक्रम जो हमें करना था आज, तो बस अब अच्छे से रिवाइज करना, फिर छुट्टी आज की।